student and welcome to online class of Fair Public School, Amershof. In last classes, we studied the first chapter of the science, that is food, where it comes from. In this chapter, we study what is food, where does it come from, what is plant's food, what is animal as a food. We discuss all these things and sprouts also discuss the sprouts. Last class mein hum logon ne discuss kiya tha sprouts ke bare mein, food ke, what is food, food ko discuss kiya tha, sprouts ko food discuss kiya tha, and plants as a food, animal as a food. We discuss all these topics and today we start next topic of this chapter, that is food producer and consumers. Food producer and consumer. What is producer and what is consumer? First we all take this topic, producer and consumer. Okay, producer, what is producer? Producer means who produce, which produce anything. We decide food producer ऐसे प्लांट, ऐसी थिंग्स, ऐसी चीजें जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. तो फूड कौन प्रोड्यूस करता है? फूड ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं. ओनली ग्रीन प्लांट्स विच हैज ग्रीन पिगमेंट्स कैन कार्ड क्लोरोफिल इन द लीफ. जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, उसी की वजह से प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं. सो इट इज कॉल्ड ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर. क्लियर है? तो प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं. तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर विच हैज ग्रीन लीव. ओके, एंड हु डज नॉट प्रोड्यूस देयर फूड, दे डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग्स लाइक plants and animals. So like a animal or human being, they cannot able to produce their own food. Animal and plants अपने food खुद से नहीं बना पाते हैं, वो किसी दूसरे plants पे या किसी दूसरे small animals पे dependent होते हैं और उसी को वो लोग food के रूप में as a food use करते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि consumer जो animals हैं या human beings हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फूड अपना से नहीं बनाते हैं, सिर्फ दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स. डेफिनेशन इज एनिमल आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स प्लांट्स आर अदर एनिमल आर अदर एनिमल्स. सो एनिमल आर कंज्यूमर, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे एनिमल पे या किसी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स. जो किसी प्लांट्स पे डिपेंड, किसी दूसरे चीज़ों पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर मीन्स प्रोड्यूस करने वाला, पैदा करने वाला. तो जो प्रोड्यूस करता है उसी को कहते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट्स. प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो अपना फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू अपना फूड खुद से बनाता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर. तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने जिससे किया था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ फूड कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के थ्रू एंड सनलाइट को यूज करके ये अपना फूड को बना लेता है. लेकिन दूसरे जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपना फूड नहीं बनाते हैं बल्कि इन्हीं प्लांट्स को यूज़ करते हैं या किसी दूसरे एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, उन्हीं को खाते हैं. ओके, तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. सो प्लांट्स आर
प्रोड्यूसर। प्लांट्स जितने भी होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जितने भी होंगे, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, एंड ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर कंज्यूमर्स। ओके, तो लो कंज्यूमर, तो प्लांट्स हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर मेनली थ्री टाइप्स। तो कंज्यूमर के थ्री टाइप्स को डिसाइड माना गया है, कौन कौन से? हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। थ्री टाइप ऑफ कंज्यूमर्स जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, किसी प्लांट्स पे या किसी एनिमल पे। ऐसे थ्री टाइप के एनिमल्स या कंज्यूमर्स होते हैं, कौन कौन से? हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। थ्री टाइप, लेट्स सी। हर्बीवर्स, दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स। दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स इज नोन एज हर्बीवर्स। Those animals which eat only plants part. Plants are plants part. यानी किसी plants को eat करते हैं वो, खाते हैं, या plants के किसी part को खाते हैं। Plants के किसी parts के, यानी कि हम लोग discuss किया था plants part we eat as a food. Plant part means हम लोग root को भी खाते हैं, root, stem, leaf, flower, fruits. We eat everything. तो हम लोग fruits को भी खाते हैं, leaf को भी खाते हैं, flowers को भी खाते हैं। तो जितने भी plants के जितने भी part हैं, वो सारे के सारे हम लोग use करते हैं as a food. So it is those animals which eat only plants are plants part. पूरे plants को भी खा सकते हैं, और किसी plants के part को भी, जो food is a part of, sorry, flower and fruits are plants part. वो किसी part, प्लांट का पार्ट है, कंप्लीट प्लांट नहीं है। तो फूड इज अ, फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ इज द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जितने भी पार्ट है वो सभी के सभी हम लोग खाते हैं। दोज एनिमल विच ईट ओनली पार्ट्स, प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एग्जाम्पल काउ, डियर, कैमल, पैरट्स, ऑल दीज आर हर्बीवर्स। यानी जो सिर्फ ग्रीन चीज़ों को खाते हैं, जो सिर्फ पत्तियों को या पौधों को खाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हर्बीवर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में काउ, काउ ईट ओनली ग्रास एंड लीव्स, लीव्स एंड ग्रास, फ्रूट्स, जिसको हम लोगों ने काउ, डियर, कैमल एंड पैरट, जो मीट नहीं खाते हैं, जो किसी एनिमल्स को नहीं खाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग हर्बीवर्स। ठीक है, तो काउ, डियर, कैमल एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो सिर्फ हर्बीवर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के किसी चीज़ को खाते हैं। ओके, सेकंड वर्ड इज कार्निवर्स। सेकंड इज कार्निवर्स। कार्निवर्स मीन्स दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स। वो एलिमेंट, वो एनिमल, यानी कि वो जानवर, वो एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल्स को या अपने से छोटे एनिमल्स को एज अ फूड यूज करते हैं या उनको खाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कार्निवर्स। ओके, तो डेफिनेशन इज दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज अ फूड। यानी कि फूड के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को यूज करते हैं, प्लांट्स को यूज नहीं करते हैं, उन्हें बोला जाता है कार्निवर्स। हर्बीवर्स सिर्फ प्लांट्स को यूज करता था, एंड कार्निवर्स यूज ओनली इन स्मॉल एनिमल्स या अदर एनिमल्स। ओके, जस्ट लाइक लायन, यू सी लायन, लायन घास नहीं खाता है, नेवर यूज एनी प्लांट्स लाइक ग्रास एंड लीफ। तो लायन किसी भी हर्ब्स को नहीं खाता है, हर्ब्स मीन्स किसी भी प्लांट्स को नहीं खाता है। लायन ईट ओनली स्मॉल एनिमल्स लाइक डियर, बियर, गोट, दिस जितने भी एनिमल्स हैं उन्हीं को वो हंट करके खा लेता है। तो लायन, टाइगर, स्नेक, लिजार्ड एंड वोल्फ, ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल को ही एज अ फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि उनको मार के खाते हैं, और किसी भी अदर प्लांट्स को लोग यूज नहीं करते, फ्रूट्स को नहीं खाते हैं, लीव्स को नहीं खाते हैं। तो सिंपल से देखिए कि कार्निवर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं या किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कार्निवर्स। ओके, तो हर्बीवर्स
who eat only plants? Carnivores. Who eat only animals? Simple. And third one is omnivores. Third one is omnivores. Who eats both? Who eats both? Those animals which eat both plants part and animals. Okay? यानी कि omnivores वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, दोनों को as a food के form में use करते हैं. दोनों means plants part and animals. Plant parts and animals. Those animals which eat only both plants part इसको use करते हैं, दोनों को plants part को use करते हैं and animal को use करते हैं as a food is known as omnivores. Okay, so herbivores use only plants, carnivores use only animals as a food, and omnivores who eat both plants and animals is known as carnivores. Okay, so all the theories related to this chapter is completed, and your homework is, and you study all these things, and it has three videos regarding to this chapter, food, where it come from. Three videos is there. You see all the three videos near about three times, and you learn all the topics related to it. If you have any confusion, you comment on me and ask anything in the live class, and write all these topics, and I provide the notes to you, and write that all the things in the your copy. जितने भी मटेरियल हमने दिया आपको, आपको हम मैसेज भी कर देंगे, सारे के सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ये सारे के सारे मैटर आप अपनी कॉपी में नोट करके उसको चेक करा लीजिएगा, और आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड करा देते हैं. योर होमवर्क इज, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग. Fill the table, आपकी जो टेबल है एनसीईआरटी बुक की, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं हम लोग. एनसीईआरटी बुक में जो आपका टेबल 1.3, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6, इन सारे टेबल को आपको फिल कर लेना है. 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6 इन चार फोर टेबल्स में रिलेटेड एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक NCERT इस बुक से जो भी टेबल दिया हुआ है 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6 इन सभी का टेबल्स को आपको कंप्लीट कर लेना है, और जितने भी हमने नोट्स आपको सेंड करेंगे वो सारे के सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और NCERT बुक का ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीट कर लेंगे. और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Okay. Fill in the table. Table के आप चीजें fill कर लेंगे. Exercise आपका जो भी given है उसको character पे check करा लेंगे, और notes को अपने complete कर लीजिए. इसको सारे के सारे जो हमने three lectures में हमने इसको complete किया है, तो सारे topic को आप write करके इसको learn कर लेना है. And I hope you all happy and safe, and stay at home, and thank you.